वेलकम बैक टू लीनास किचन। मैं हूँ लीना और सबसे पहले सबको 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और देखिए आज मेरा ये पहला ब्लॉग है नए साल में, और सबसे पहले मैं सब जितने भी हमारी वाइटी फैमिली है मैं उनको शुभकामनाएं दे दूँ, और मेरे हस्बैंड भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं क्योंकि ये रेसिपी आज उनकी है। हेलो, नवंबर की शुभकामनाएं सबको। हाँ, क्योंकि ये रेसिपी आज स्पेशल मेरे हस्बैंड बनाएंगे। और देखिए अभी बाजार से आ ही रहे हैं, और देखिए मेरे हाथ में एक कैप्सिकम है और ये है नॉनवेज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बोनलेस चिकन है। और मैं आज बोनलेस चिकन की ये कैप्सिकम और चिकन की फ्राइड रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल मेरे ब्लॉग में नया है। तो प्लीज इसे आप लोग जरूर देखें, और मैं फिर से बोल देती हूँ, वीडियो तो बात करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक प्लीज जरूर कर दें। और चलिए मैं अपनी टीचर मेले करके चलती हूँ। चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और चलिए मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं दिखाती हूँ फटाफट। फ्रेंड्स, हमारे पास 500 ग्राम मैंने चिकन मंगाया है। तो देखिए ये दो मीडियम साइज के कैप्सिकम है और दो मीडियम साइज के प्याज है। और चलिए मैं इसके इसका जो कट होता है फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ। बस इसको करना है, और ये जो है इसके स्लाइस, हम देखिए ये स्लाइस है, इसको स्लाइस हटा लेंगे। इसी तरह को इसी तरह से Thank you.
तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी मेरा कैसा लगा और मेरा नेक्स्ट रेसिपी रहेगा बेबी कॉर्न चिल्ली। तो आप लोग जरूर लीना किचन में विजिट कीजिएगा। और मैं देखिए, एक रेसिपी तो मेरा बन गया और ये मैं सिंपल चिकन करी बनाने जा रही हूँ, उसके साथ रोटी बनाऊंगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक लाइक के साथ। आप जरूर मेरा ये ब्लॉग देखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।